हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नितेश। एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके और हमारे यूट्यूब चैनल स्मोकिंग व्हील्स पे। दोस्तों, आप जो ये सामने गाड़ी देख रहे हैं, इसी गाड़ी का हम आज रिव्यू करने वाले हैं। ये गाड़ी आप सामने से देखने में आपको लग रहा होगा कि ये फोर्स मोटर्स की क्रूज़र गाड़ी है। हालांकि ये क्रूज़र गाड़ी नहीं है, ये उससे अलग है। और कैसे अलग है ये हम इसी वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। इस गाड़ी का जो नाम है वो है सिटी लाइन। आप देख सकते हैं फ्रंट में बीच में सिटी लाइन लिखा हुआ है, कहीं पर भी आपको फोर्स का लोगो नज़र नहीं आएगा। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं इसके विंडशील्ड से। देख सकते हैं बड़ा सा विंडशील्ड आपको देखने को मिलता है, जिसपे दो वाइपर मिल जाते हैं। बोनट पे ही आपको वॉशर मिल जाता है। और फ्रंट ग्रिल की बात करें तो यहाँ पे क्रोम की गार्निशिंग की हुई है और बीच में राउंड शेप में सिटी लाइन लिखा हुआ है, यानी कि इसमें आपको फोर्स का जो लोगो मिलता है वो देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पे सिटी लाइन लिखा हुआ है, यानी कि ये अपने प्रोडक्ट को ही एक ब्रांड बना रहा है कि हमारा जो नाम है वो सिटी लाइन है। अगर इसके हम हेडलैम्प की बात करें तो स्क्वायर शेप में हेडलैम्प मिल जाते हैं, जिसमें साइड इसकी जो गार्निशिंग की गई है वो ब्लैक फिनिश में की गई है, स्मोकी फिनिश में की गई है, जो काफ़ी प्रीमियम एक लुक देती है सामने से गाड़ी को। नीचे बम्पर की बात करें तो फॉग लैंप आपको देखने को नहीं मिलेगा, आपको आफ्टर मार्केट फॉग लैंप को लगाना पड़ेगा। बढ़ते हैं साइड की तरफ। तो अगर साइड से आप गाड़ी देखते हैं तो पूरी तरीके से इसके जो बम्पर वगैरह हैं वो बॉडी कलर से मैच करते हैं, यानी कि आपको बॉडी कलर इसके जो क्लैडिंग वगैरह है वो देखने को मिल जाती है। इसके टेक्निकल डिटेल की बात करें, इंजन वगैरह अगर हम बात करें, FM 2.6 कॉमन रेल इंजन इसमें देखने को मिलता है। इंजन या इसके जो भी टेक्निकल पार्ट्स हैं वो सारी की सारी क्रूजर से ही मैच करते हैं, उसमें कोई बदलाव नहीं है। डिटेल में आपको अगर जानना है तो मैं वीडियो के लास्ट में दे दूंगा कि इसके टेक्निकल स्पेसिफिकेशन क्या है। तो बात करते हैं गाड़ी के हम फ्रंट सस्पेंशन की। तो सस्पेंशन वगैरह भी पूरी तरीके से अपने अब पुराने वर्जन यानी कि क्रूजर जो BS6 में इनका आता है वही दिया हुआ है। इस गाड़ी में अब खास क्या है, अगर आप सोच रहे हो कि सब कुछ तो क्रूजर का है तो खास कैसे ये गाड़ी है, ये गाड़ी अपने आप में कैसे अलग है, तो आपको अभी आगे देखने में पता चल जाएगा। तो वीडियो आप कंप्लीट देखिएगा। साइड से गाड़ी काफ़ी खूबसूरत लगती है। अगर आप देखें तो पीछे की जो विंडो है पूरी तरीके से एक बड़ा व्यू देखने को मिलता है। फुट स्टेप वगैरह भी काफ़ी लॉन्ग है, तो जिससे आप गाड़ी के अंदर आसानी से जा सकते हैं। यहाँ पर आपको सिटी लाइन का स्टिकर देखने को मिलता है, जो ये दर्शाता है कि ये गाड़ी सिटी लाइन है। अगर पीछे की बात करें तो पीछे से भी गाड़ी काफ़ी खूबसूरत हो गई है। जो इसका स्पेयर व्हील वगैरह है, उस पर जो कवर है, उस पर भी सिटी लाइन की ब्रांडिंग कर दी है कंपनी ने। और जो गाड़ी को अच्छा सा लुक देता है बैक साइड से भी, यहाँ पे आपको फोर्स की बैजिंग मिलती है। अगर यहाँ आप पीछे से देखोगे तो आपको फोर्स की बैजिंग और टेल लैंप इसका जो है वो बिल्कुल क्रूज़र की तरह ही है, उसमें कोई बदलाव नहीं है। नीचे का जो बम्पर पीछे साइड का है, रियर साइड का, वो भी आपको बॉडी कलर में देखने को मिलता है, जिसपे आपको रियर पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं। राइट साइड की बात करें तो यहाँ पे आपको सिटी लाइन लिखा हुआ मिल जाएगा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये गाड़ी तो बिल्कुल क्रूजर की तरह ही है, इसमें क्या बदलाव है? तो बाहर से आपको जो बदलाव दिख रहा है वो इसके कॉस्मेटिक चेंजेस दिख रहे होंगे। जो गाड़ी का कलर वगैरह है, जो ये मेटेलिक ग्रे कलर है, बिल्कुल एक प्रीमियम लुक देता है गाड़ी को। और अंदर से गाड़ी पूरी तरीके से चेंज है। तो बाहर से तो आपने देख लिया गाड़ी को, अब हम ड्राइवर साइड से शुरुआत करते हैं और दिखाते हैं कि ड्राइवर केबिन कैसा है। तो यहाँ से आप इसके डोर को ओपन करेंगे, काफ़ी वाइड एंट्री मिल जाती है, आसानी से किसी भी हाइट कद काठी का आदमी होगा तो गाड़ी के अंदर जाके बैठ सकता है। तो इसके डोर को पहले आप देख लीजिए अंदर से। यहाँ पर आपको जो डोर्स पे जो पैनलिंग की गई है, ये भी काफ़ी प्रीमियम देने की कोशिश की गई है, पूरे फैब्रिक का यूज़ किया हुआ है। और अपने मैगजीन वगैरह आप यहाँ रख सकते हो, कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह रख सकते हो। और अगर हम डैशबोर्ड की बात करें या रूफ़ की बात करें तो वो भी एक पूरी तरीके से प्रीमियम टच देने की कोशिश की गई है, गाड़ी को काफ़ी लग्जरी बनाने की कोशिश की गई है। और ड्राइवर की जो सीट्स हैं ये भी प्रॉपर तरीके से पूरी एक बकेट सीट आपको मिलती है, जिससे अगर ड्राइवर इस पर बैठता है, और ऊपर आपको AC के वेंट्स मिल जाते हैं जो कि ड्राइवर सीट्स के जस्ट ऊपर दिए हुए हैं। अब क्यों दिए हुए हैं ये भी मैं आपको अभी आगे बताऊँगा कि ड्राइवर के जस्ट ऊपर देने का क्या रीज़न है, क्योंकि डैशबोर्ड में तो ऑलरेडी AC आते ही हैं। सबसे पहले हम सीटिंग की बात कर लेते हैं। तो सीट्स देखिए, काफ़ी आरामदायक सीट्स हैं। इस पर जब ड्राइवर बैठेगा, लंबे समय तक गाड़ी को ड्राइव करेगा तो उसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ड्राइवर की सीट्स काफ़ी अच्छी है और एडजस्टेबल है। सेकेंड रो की बात करते हैं। अब सेकेंड रो में आप देख सकते हैं ये जो सीट्स हैं, यहाँ पर ही खास बात है। और सबसे पहले इसके डोर की बात कर लेते हैं। तो डोर जैसे फ्रंट में आपको मिलता है वैसे ही यहाँ पर मिल जाता है। यहाँ पर आपको पावर विंडो का स्विच मिल जाता है, यहाँ से अपने विंडो को कंट्रोल कर सकते हैं। अब ये जो सीट्स है ये 60-40 रेशियो में डिवाइड किए हुए हैं, यानी कि ये दोनों सीट्स आपके 60-40 रेशियो में स्प्लिट हो जाएंगे। क्यों स्प्लिट होंगे? थर्ड रो में जाने के लिए। यहाँ से इसको आप लीवर को अप करेंगे तो ये सीट्स आपकी फोल्ड हो जाएगी। कैसे फोल्ड होगी हम दूसरे साइड से दिखाने की कोशिश आपको करेंगे अभी आगे। तो ये सीट्स फोल्ड करके आप पीछे जा सकते हैं। अब पीछे जाने से पहले हम गाड़ी के अंदर बैठ जाते हैं और दिखाते हैं कि यहाँ से गाड़ी का जो डैशबोर्ड वगैरह है वो कैसा दिखने में लगता है। तो हम गाड़ी के अंदर आ गए हैं और देख सकते हैं मैं सेकेंड रो में बैठा हूँ।
और एक प्रॉपर आपको लेग रूम मिल रहा है, तो इससे ये पता चलता है कि आपकी जो इंट्री एग्जिट होने वाली है वो भी काफ़ी आरामदायक होने वाली है, और आप किसी भी हाइट के हों, किसी भी कद काठे के हों, आराम से यहाँ बैठ सकते हैं। तो डैशबोर्ड की हम बात कर लेते हैं सबसे पहले। डैशबोर्ड आप देख सकते हैं पूरी तरीके से बॉडी कलर से मैच कराया हुआ है, जो एक गाड़ी को अच्छा सा लुक देता है अंदर से। यहाँ पे आपको फोर्स की ब्रांडिंग मिल जाती है, नीचे एक ग्लव बॉक्स मिलता है जिसमें अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह आप रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और इसके बाकी फीचर्स के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो डैशबोर्ड में यहाँ सेंटर में आपको स्विचेज मिल जाते हैं जिससे आप एसी वगैरह कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पे आपको हजार्ड लाइट का स्विच मिल जाता है, एसी के सारे स्विचेज मिल जाते हैं, 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट मिल जाता है। तो ये सारी चीज़ें तो ऑलरेडी आपने क्रूजर में भी देखी होंगी, इसमें कोई बदलाव नहीं है। यहाँ पे आपको गियर लीवर मिल जाता है, 5 फॉरवर्ड 1 रिवर्स टाइप का गियर लीवर इसका है। गियर लीवर भी काफ़ी छोटा सा है, स्मॉल सा, यानी कि एक अच्छा लुक देने की कोशिश की गई है कंपनी की तरफ से। अगर आप बात करें सेंटर में और क्या मिल जाता है, तो यहाँ पे आपको म्यूजिक सिस्टम लगाने का प्रोविज़न मिल जाता है, एसी के विंड्स मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको जो मीटर कंसोल है, मीटर कंसोल भी बिल्कुल अपने क्रूजर से ही मैच करता है, इसमें कोई बदलाव नहीं है। इसमें आपको आरपीएम मीटर, स्पीडोमीटर और बीच में एक छोटा सा डिजिटल मीटर देखने को मिलता है, जिसके अगल बगल में आपको बटन्स दिए हुए जिससे आप ट्रिप वगैरह अपना सेट कर सकते हैं। स्टेयरिंग में भी आपको जो दोनों कंट्रोल जो दोनों तरफ मिलते हैं, लाइट्स के और वाइपर के, देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको पावर विंडो के स्विच मिल जाते हैं, सेंट्रल लॉकिंग का स्विच मिल जाता है, एक बॉटल होल्डर भी देखने को मिलता है। तो ये कुछ खास बातें रहीं इसके फ्रंट रो की, यानी कि ड्राइवर केबिन की। अब चलते हैं दूसरे साइड से और देखते हैं कि गाड़ी के अंदर जाने के पीछे जाने के क्या प्रोविजंस हैं। तो जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि जो एसी के विंड्स थे वो ड्राइवर सीट्स के जस्ट ऊपर थे, वो इस वजह से थे कि सेकेंड रो में जब हम बैठेंगे तो हमारे सर में अंदर एंट्री करते समय हमारे सर में एसी के विंड्स न टकराएं। अब देखते हैं कि इसमें जो थर्ड रो में जाने का प्रोविज़न है वो कैसे है। तो जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि ये जो सीट्स हैं स्प्लिट सीट्स हैं, तो इस साइड से हम इसलिए फोल्ड कर रहे हैं कि यहाँ पे सिंगल सीट मिलती है, यानी कि जो 60-40 का रेशियो था, तो यहाँ से इसको हम फोल्ड कर देंगे, और फोल्ड करने के बाद यानी कि स्प्लिट करने के बाद हम गाड़ी के अंदर चलते हैं। तो काफ़ी आसान है इसको फोल्ड करना, काफ़ी ईजी दिया हुआ है, 2 लीवर्स हैं, उसको आपको पुल करना है और आसानी से सीट्स को फोल्ड कर लेंगे आप। तो ये देखिए इसकी थर्ड रो है, थर्ड रो में आपको सिंगल सीट्स मिल जाती हैं पूरे तरीके से हेड सपोर्ट्स के साथ, जिससे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आप किसी भी रो में बैठें आपको वही आराम मिलने वाला है जो कि आपको फर्स्ट रो या सेकेंड रो में मिलेगा। और मैं पर्सनली अगर आपको बताऊं तो मुझे लास्ट रो इसकी सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल लगी। अभी मैं चल के आपको दिखाता हूं, बैठ के दिखाता हूं। सबसे पहले मैं थर्ड रो आपको दिखा दूं। यहां पे भी प्रॉपर तरीके से आपको लेग रूम मिलता है, थाई सपोर्ट मिल जाते हैं, हेड रूम मिल जाता है और हेड सपोर्ट के साथ आते हैं। चलिए अब हम लास्ट रो में चलते हैं। हमारी जो कंप्लेंट्स होती हैं वो जब हम किसी बड़ी गाड़ी में बैठते हैं तो लास्ट रो में कोई बैठना नहीं चाहता है, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे किसी भी हाइट का आदमी होगा, किसी भी कद काठी का आदमी होगा, आराम से बैठ सकता है। जो मेरी जो हाइट है वो 5.7 है, देख सकते हैं काफ़ी जगह बच रहा है मेरे बैठने के बाद भी, और ऊपर काफ़ी जो हाइट है वो काफ़ी अच्छी है, तो प्रॉपर एक स्पेस मिलेगा आपको, सफोकेशन वगैरह नहीं होगा, हेड सपोर्ट देखने को मिल जाता है। तो आप अगर 6 फीट के भी हैं तो आसानी से पीछे चल के बैठ सकते हैं। ये देखिए सीट्स वगैरह काफ़ी अच्छी क्वालिटी की है, फैब्रिक दिया हुआ है और हर सीट पर आपको सीट बेल्ट मिल जाते हैं। अगर आप पीछे बैठे हुए हैं, इंटरटेनमेंट आप करना चाहते हैं, लंबे दूरी में आप सफ़र कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको मोबाइल चार्ज करने का सॉकेट मिल जाता है, जिससे आप आराम से बैठ करके अपने मोबाइल में कोई मूवी देख सकते हैं, कोई गाने वगैरह सुन सकते हैं, और चार्जिंग का भी कोई झंझट आपको नहीं होगा, यहीं से आप चार्ज भी कर सकते हैं। यहाँ पे आपको बॉटल होल्डर मिल जाता है, ग्रैब रेल मिल जाता है, मतलब ग्रैब हैंडल मिल जाते हैं, मतलब आप समझो कि पीछे जब आप बैठोगे तो आप बिल्कुल आराम से बैठोगे, कोई कंप्लेन नहीं करोगे कि हमें कोई दिक्कत हो रही है या सफोकेशन हो रहा है। और पीछे जो विंडो दिए हुए हैं वो भी काफ़ी पैनोरामिक टाइप के हैं, तो आपको एक प्रॉपर तरीके से विजिबिलिटी भी मिलती है बाहर की, और पूरी तरीके से आपको रूफ़ पे लाइटिंग मिल जाती है, जिससे आप कुछ नॉवेल वगैरह पढ़ना चाहते हैं, कोई बुक पढ़ना चाहते हैं, वहाँ पे बैठ के पढ़ सकते हैं। और अगर हम बात करें इसके सीटिंग की, कितने सीट में गाड़ी आती है, तो जैसा कि आपने पहले ही देखा कि टोटल 4 रो दिए हुए हैं और 4 रो में आपको टोटल 9 पैसेंजर और एक ड्राइवर के बैठने की जगह मिल जाती है। यानी कि फर्स्ट रो में ड्राइवर, को ड्राइवर, सेकेंड रो में 3 पैसेंजर, थर्ड रो में 2 पैसेंजर, इसके बाद फोर्थ रो में 3 पैसेंजर, तो टोटल 9 पैसेंजर और एक ड्राइवर को बैठने की सुविधा मिल जाती है। और सारी की सारी सीटें फ्रंट फेसिंग दी हुई हैं, तो आप किसी भी रो में बैठेंगे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, आपको कोई सफोकेशन नहीं होगा, चाहे आप हिली टेरेन में ट्रैवल करें या किसी भी टेरेन में आप ट्रैवल करते हैं, आपको एक प्रॉपर लग्जरी, प्रॉपर कम्फर्ट देखने को हर रो में देखने को मिलता है। तो ये कुछ खास बातें रही इस गाड़ी की। आपको ये गाड़ी कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। अगर आप ये गाड़ी परचेस करना चाहते हैं तो अपने नज़दीकी शोरूम पे जाकर के परचेस कर सकते हैं। अब बारी आती है इस गाड़ी के जो प्राइसिंग है, प्राइसिंग क्या है इस गाड़ी की, तो अभी जो लॉन्च प्राइस है इस गाड़ी का वो 15,70,000 एक शोरूम है। जल्दी इस गाड़ी के प्राइसेस रिवाइज होने वाले हैं, यानी कि बढ़ने वाले हैं। तो अगर आप एक 9 सीटर की गाड़ी खोज रहे हैं, जिससे कोई व्यापार करना चाहते हैं, कोई बिजनेस करना चाहते हैं, 9+ ड्राइवर की सीटिंग कैपेसिटी में ये गाड़ी आपके लिए परफेक्ट होने वाली है।
आप अपने नज़दीकी फोर्स मोटर्स के शोरूम पर जा करके इस गाड़ी को परचेज कर सकते हैं। टोटल दो कलर्स में ये सिटी लाइन व्हीकल आती है, एक वाइट कलर में, एक जो मैंने आपको दिखाई मेटेलिक ग्रे कलर में। दोनों कलर्स आपके पास अवेलेबल हैं शोरूम में, आप जा करके इसको परचेज कर सकते हैं। गाड़ी के जो टेक्निकल डिटेल हैं स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं। तो ये कुछ खासियत थी ये फोर्स सिटी लाइन एसयूवी की, यानी कि इस गाड़ी की। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं इसी तरीके की वीडियो आगे भी देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके सारी नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।